press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the third chapter of 7th Maharashtra Board History. The name of the chapter is Religious Synthesis. So in the first two chapters, you have studied about different kings that were ruling in India. In the first chapter, we have studied about sources of history. In the second chapter, you have studied about different kings and how they were ruling in India. We have seen there were many Hindu kings, many Muslim kings. So people following different religion, people speaking different languages were living in India. सो हर टाइप के लोग इंडिया में रहते थे, हर एक अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते थे, कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर थे, तो अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे इंडिया में. यू मस्ट बी नोइंग दैट देर आर मेनी रिलीजन्स इन इंडिया, लाइक वी हैव हिंदुइज्म, हिंदू, मुस्लिम्स, सिख्स. क्रिश्चियनिटी तब तक इंडिया में नहीं आया था, लेकिन दूसरे भी रिलीजन्स थे, बुद्धिज़्म था, ऐसे अलग अलग रिलीजन्स थे इंडिया में. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट सेंट्स, अलग अलग जो संत थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने कैसे जो रिलीजन लोगों तक फैलाया, लोगों को रिलीजन के बारे में बताया, कैसे सीख दी, ये हम इस चैप्टर में बात करेंगे. सो नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलीजियस सिंथेसिस. सो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस हमारे लोग बोलते हैं, अलग अलग टाइप के रिलीजन हम फॉलो करते हैं. सो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी मतलब क्या है, इंडिया में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. ऐसा बहुत कम कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ ऐसे अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. बाकी कंट्रीज में कैसे सभी लोग एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है, इंडिया में मिक्सचर है. सो कंसिडरिंग दिस फीचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि इंडिया कंट्री कैसे चलना चाहिए, इसके लिए एक रूल बुक बनाया है. 1950 में हमने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल बुक है या रूल्स है वो हमने हमारी कंट्री में लागू किया. ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे मतलब क्या, उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो रूल्स है वो अपने कंट्री में अडॉप्ट कर लिया हमने, लागू हो गए. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देगा या किसी भी रिलीजन को बोलेगा कि नहीं ये रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलीजन कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एवरी रिलीजन इज सेम एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू चूज इज रिलीजन. ये होता है सेकुलरिज्म. इन मिडिवल इंडिया टू अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल. Among these efforts, the Bhakti movement, Sikhism and Sufi sect have a significant place. कि religious synthesis मतलब क्या होता है कि सभी religion वाले लोग कैसे हर एक religion के अलग अलग rules होते हैं, हर एक religion के अलग अलग God होते हैं, लेकिन हम synthesis कर रहे हैं, मतलब सभी religion के लोग एक साथ मिलके किसी संत को follow कर सकते हैं. वो संत कोई भी religion में नहीं मानता है, वो संत कोई God में नहीं मानता है. तो ऐसे बहुत सारे संत इंडिया में हुए. There were many saints in India who are not believing in any one God. All of us can become his disciples or his all of them can worship him. ऐसे अलग अलग संत थे इंडिया में, उन saints के बारे में हम बात करेंगे. ऐसे तीन movement हुए थे इंडिया में. भक्ति movement मतलब भक्ति करो, God एक है ऐसे मानते हैं कि कोई भी religion वाला होने दो उसके लिए God एक ही है. वो हिंदूज के लिए अलग God हो सकता है, मुस्लिम्स के लिए अलग हो सकता है, बुद्धिस्ट के लिए अलग हो सकता है, लेकिन वो कौन है, एक ही है. ऐसे भक्ति movement वाले लोग मानते थे. और God को pray करने के लिए हमें idol की ज़रूरत नहीं है, आइडल वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है. गणपति का जो आइडल होता है, ऐसे अलग अलग गॉड्स के आइडल होते हैं या फोटोग्राफ होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें. हमारे मन में गॉड हुआ तो भी हम उसे प्रे कर सकते हैं. और गॉड सभी के लिए गॉड एक ही होता है, ऐसे भक्ति मोमेंट वाले लोग मानते थे. देन सिखिज़म आपको पता है, जो सिक्स होते हैं, जो गुरु नानक जी उनको मानते हैं, गुरु नानक या उनके और भी गुरुज हैं उनको मानते हैं, वो सिखिज़म में फॉलो करते हैं. सूफी सेक्ट ये इस्लाम से रिलेटेड होता है, मुस्लिम जो रिलीजन है उससे रिलेटेड होता है. सूफी सेंट्स थे, संत थे कुछ, उनके भी कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने सूफी सेक्ट चालू किया था. हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस. दिस डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दे अरोज मतलब क्या, स्टार्ट हुआ कि अलग अलग जगह से. सिखिज्म जैसे ज़्यादा करके पंजाब रीजन में आपको मिलेगा, ऐसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत थे, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे बहुत सारे संत थे. साउथ इंडिया में भी थे, गुजरात में थे, ऐसे हर एक संत के बारे में हम पढ़ने वाले आगे. Different streams of thought arose in different part of India. They emphasize harmony between different sects. Harmony मतलब क्या कि शांति होना चाहिए, सभी के बीच में प्रेम होना चाहिए, everybody should live like brothers and sisters. और देर ऐसे अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, झगड़ा नहीं होगा हमारे बीच में, then there will be harmony in the society.
between the different sects and religion along with devotion to God. We shall study them in this chapter. Initially, rituals and Brahmajnan were greatly emphasized in the Indian religion life. Rituals मतलब क्या होता है कि कुछ हम belief रखते हैं, कैसे हम मानते हैं कि God के लिए हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे अलग अलग rituals होते हैं हमारे, इसलिए हम उपवास रखते हैं. Then Brahmajnan, Brahmajnan मतलब क्या कि divine, God का हमें गॉड को प्रे करने के लिए या गॉड तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे अलग अलग संत बताते हैं, ऐसे अलग अलग रिलीजन बताता है, वो हम फॉलो करते हैं, प्रे करना चाहिए गॉड का. वेर ग्रेटली इम्फेसिस इन द इंडियन रिलीजन्स लाइफ इन द मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड मतलब क्या, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, जब भी मुगल्स रूल करते थे, जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज रूल करते थे, दैट टाइम इज कॉल्ड एज मिडिवल टाइम. दे गेव वे टू भक्ति मार्ग. भक्ति मार्ग ये अलग ही उन्होंने स्टार्ट किया, अलग अलग संत थे उन्होंने, जो नॉर्मली हम लोग कैसे थे, हमारा जो रिलीजन है उसमें कुछ लोगों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है. ऑल आवर रिलीजियस बुक्स वेर रिटन इन संस्कृत. तो संस्कृत कॉमन लोगों को आता नहीं था, तो जो कुछ पावरफुल लोग थे या जिनको संस्कृत आता था वो बाकी लोगों को फूल करते थे, बाकी लोगों को कुछ गलत बताते थे या उनके पास पूरा पावर रहता था. गरीब लोगों को या जो जिनको संस्कृत आता नहीं है या जिनको रिलीजन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको वो फूल करते थे. तो कुछ संत थे, उन्होंने बोला कि चलो हम लोगों को तुम फूल कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो संस्कृत का जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे हम लोकल लैंग्वेज में बताएंगे लोगों को, और किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. अर्लियर इन आवर कंट्री, नाउ ऑल्सो देर इज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट के हिसाब से हम लोगों को बांट देते हैं. तो पहले ऐसे था कि कुछ लोअर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में एंट्री नहीं था, हायर कास्ट के लोग ही सिर्फ प्रे कर सकते थे, किसी को प्रे करने का अधिकार नहीं था. सूफी सेंट और ये जो भक्ति मूवमेंट के लोग थे उन्होंने बोला ऐसा नहीं, हम कास्ट में नहीं मानते, वी बिलीव इन इक्वालिटी. If you want to worship God, then there will be no difference between you. आप कर सकते हो worship, कोई भी caste के हो, कोई भी religion के हो. The path of devotion, Bhakti Marg did not give undue importance to hierarchies. ये hierarchy होता है, कोई higher है, कोई lower है. ऐसे hierarchies में Bhakti Marg नहीं मानता था. वो बोलते थे कि सभी लोग एक है, everybody is equal. And if you believe in God, if you want to pray, then you can pray. Nobody will stop you. Which further facilitated religious synthesis. उसके वजह से क्या हुआ, religious synthesis हुआ, मतलब अलग अलग religion के लोग एक साथ आए, उन्होंने pray करना चालू कर दिया, और कोई भी difference नहीं मानते थे वो. जो संत थे नए, वो किसी religion में ऐसा मानते नहीं थे कि ये religion खराब है, ये religion अच्छा है. They were believing that all the religions are good, and if you want to pray, you can pray. Nobody will stop you. In different regions of India, we find different forms of path of devotion. According to the local situation there, the Bhakti movement used the common people's language. Common people language क्यों? क्योंकि उनको समझना चाहिए लोगों को. आप संस्कृत में या हाईफाई लैंग्वेज में कुछ उनसे बात करोगे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे. तो लोगों को जैसे लैंग्वेज समझ आए वैसे ही लैंग्वेज में बात करोगे तो लोगों को अच्छे से समझेगा. तो जो संत थे वो लोगों के लैंग्वेज में बात करते थे, पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत. दिस हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस रीजनल लैंग्वेजेस. उसके वजह से रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हुआ, जैसे मराठी लैंग्वेज. मराठी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय संत ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने गीता को मराठी में लिखा, ज्ञानेश्वरी उनका जो है, या अलग अलग जो रिलीजियस कुछ ऐसे बुक्स थे उन्होंने उसको मराठी में ट्रांसलेट किया, सो दैट कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड. भक्ति मूवमेंट, इट इज़ बिलीव दैट भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया. नन्यार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज इन दिस रीजन. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ इंडिया. The Nayanars were devotees of Shiva. Nayanars जो थे वो शिवा को मानते थे, भगवान शिव उनको मानते थे. While the Alwars were devotees of Vishnu, तो विष्णु को मानते थे. कुछ लोग शिवा को मानते थे, कुछ लोग विष्णु को मानते थे, कुछ लोग शिव भगवान को मानते थे और कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते थे. There were also attempts of consider Shiva and Vishnu as one of the same. तो कुछ लोग क्या मानते थे कि शिवा और विष्णु दोनों भी एक है. तो ऐसी कुछ मूर्तियाँ हैं साउथ इंडिया में. जिसे हम जिस गॉड को हम बोलते हैं हरिहर, ये हरिहर गॉड है. तो उसमें आधा मूर्ति आपको शिवा का दिखेगा, आधा मूर्ति आपको शिव का दिखेगा, आधा मूर्ति आपको विष्णु का दिखेगा. क्योंकि वो लोग मानते थे कि दोनों भगवान एक ही है. तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि आधे आधा रूप हरिहर जो थे, न्यू गॉड हरिहर जो गॉड थे, उनका आधा रूप शिव का था, आधा रूप विष्णु का था. यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ विच डिपिक्ट्स हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा वेर प्रोड्यूस इन द पीरियड ऑफ पीरियड ऑन द लार्ज स्केल. पीपल बिलोंगिंग टू सोशल स्ट्रेटा had participated in this bhakti movement. Social strata मतलब क्या, lower level के जो लोग थे, strata मतलब lower, कि lower जो लोग थे या सभी लोग थे वो उसमें believe करते थे और उसको pray करते थे. They preached the values of God, the love of God, humanity मतलब क्या, all human beings are equal and you should treat all human beings as our brothers and sisters. Compassion मतलब क्या होता है,
कि जो पुअर है, जो इनको जिनके पास कुछ प्रॉब जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमें उनके उनके बारे में हमें प्यार होना चाहिए, उनको हम हेल्प करना चाहिए, दैट इज़ कंपैशन। देन मर्सी, कि हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हो, किसी ने गलत किया तो उसको माफ़ कर दो, दैट इज़ मर्सी। माफ़ी करना मतलब मर्सी करना। रामार्जुन एंड अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट किसने स्ट्रेंथन किया? रामार्जुन। भक्ति मूवमेंट मतलब क्या, कि एक नया एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नया एक चीज चालू हुआ कि हमें भक्ति करने के लिए किसी कोई रोक नहीं सकता है हमें। पहले जैसे मैंने बताया कि लोअर कास्ट के लोग थे या पुअर लोग थे, उनको मंदिर में एंट्री नहीं थी। तो भक्ति मूवमेंट अलग अलग जो संत आए उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ नहीं होता है, सभी एक है भगवान के सामने, आपको प्रे करना है तो वो मंदिर में मत जाओ, हम अलग से भक्ति करेंगे, अलग से आप गॉड को अलग तरीके से हम प्रे करेंगे तो भी गॉड के पास पहुंच जाएंगे हम, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आइडल वर्शिप करने की ज़रूरत ही नहीं है। भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज़ फॉर ऑल, गॉड इज़ फॉर ऑल, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, गॉड डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। किसने बोला गॉड सभी को डिस्क्रिमिनेट करता है? ऑल ऑफ अस आर चिल्ड्रन ऑफ सेम गॉड, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? इंसान डिफ्रेंशिएट करता है। सो द टीचिंग्स ऑफ रामार्जुन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। तो कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में भी रामार्जुन को मानते थे, बट मोस्टली उनके फॉलोअर्स साउथ इंडिया में थे। संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया में रामार्जुन ने किया, नॉर्थ इंडिया में रामानंद। संत कबीर इज़ वेल नोन सेंट इन भक्ति मूवमेंट। यहाँ संत कबीर उनका फोटो दिया हुआ है। ही डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कि प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कि भगवान को आपको प्रसन्न करना है तो वहीं वाराणसी जाना पड़ेगा या फिर अजमेर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप आपके घर से भी प्रे कर सकते हो क्योंकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह होता है, ऐसे मानते थे। व्रतास, व्रत करते हैं हम, जो अलग अलग उपवास करते हैं, ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे संत कबीर मानते थे। और आइडल वर्शॉप, आइडल वर्शॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है, मूर्ति पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे मन में गॉड होगा तो भी हम उसके पास पहुँच सकते हैं, सभी के मन में गॉड होता है, ऐसे उनका मानना था। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंसेज बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के हिसाब से जो डिफरेंसेज होता है, लोअर कास्ट हायर कास्ट, ऐसा कुछ मानते नहीं थे वो। क्रीड, सेक्ट, सेक्ट मतलब कुछ रिलीजन में अलग अलग पार्ट होते हैं, कुछ जैसे क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स होते हैं या रोमन कैथलिक होते हैं, इस्लाम में भी अलग अलग सेक्ट होते हैं, जैसे कुछ लोग सुन्नी होते हैं, कुछ लोग शिया होते हैं, ऐसे अलग अलग रिलीजन में डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन में भी अलग अलग डिफरेंसेस है या अलग अलग डिविजन्स है, वो उस किसी में डिफरेंसेस में या डिवीजन में नहीं मानते थे। एंड रिलीजन, किसी रिलीजन के हिसाब से नहीं, उनके हिंदूज भी उनको फॉलो करते थे, मुस्लिम्स भी फॉलो करते थे संत कबीर को। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल। ऑर्थोडॉक्स पीपल कौन होते हैं? जो पुराने विचार वाले लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि हम जैसे करेंगे वैसे ही, या फिर जो पूजा पाठ में या इसमें बोलते हैं और बुरी जो पुरानी प्रथा है उसमें फॉलो करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं। Orthodox means basically people who are having old beliefs, old thoughts in both Hindu and Muslim religion in strong terms. So he was against the people, orthodox people in both Muslim religion also and Hindu religion. In Bengal, Chaitanya Mahaprabhu under the importance of Krishna Bhakti, underlined the importance of Krishna Bhakti. Wo Krishna Bhagwan mein mante the, Chaitanya Mahaprabhu. Due to his teaching, people joined the Bhakti movement in transcending the boundaries of caste and creed. Transcending the boundaries matlab kya? उनके भक्त क्या एक ही कास्ट के नहीं थे, सभी कास्ट के थे, सभी रिलीजन के थे। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरादेवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम। अंडर हिज इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कि महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे या उनके एक फॉलोअर थे शंकरादेवा, शंकरादेवा उन्होंने जो उनके आइडियाज थे, उनके थाट्स थे, वो आसाम में स्प्रेड किए। नरसिंह मेहता वॉज द रिनोड वैष्णव संत इन गुजरात। गुजरात के सबसे इंपॉर्टेंट संत कौन थे? नरसिंह मेहता। He was an ardent devotee of Krishna. Krishna के बहुत बड़े भक्त थे। He gave the message of equality. He is known as first poet of Gujarati language. So अगर question आया who was the first poet of Gujarati language, answer is Sant Narasimha Mehta. Narasimha Mehta. Sant Mirabai stressed the importance of devotion to Krishna. Mirabai भी वापस कृष्णा में believe करती थी, कृष्णा को pray करती थी, Lord Krishna को। She belonged to royal family of Mewar. Mewar करके एक जगह है, वहाँ की वो रॉयल फैमिली की मेंबर थी। रॉयल फैमिली मतलब जो राजा होते हैं उनके फैमिली की मेंबर थी। फिर भी उन्होंने जो रॉयल फैमिली के लोग कैसे अमीर होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो सब उन्होंने छोड़ दिया सब, और वो भक्ति मार्ग में लग गई, भगवान को प्रे करने में लग गई। सी रिनाउंस ऑल द प्लेजर्स। रिनाउंस मतलब क्या, सी गेव अप ऑल द प्लेजर्स। प्लेजर्स मतलब क्या, जो ऐशो आराम है उनको, जो पैसा मिलने वाला है, सब अच्छी लाइफ है, उन्होंने छोड़ दिया ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स हरसेल्फ इन द डिवोशन ऑफ कृष्णा। इमर्स मतलब क्या, पूरी तरह से कृष्णा के भक्ति में लीन हो गई।
शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थान, राजस्थानी एंड गुजराती. कंपोज मतलब क्या, उन्होंने पोएम्स बनाए राजस्थानी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में. अभी भी उनके जो पोएम्स है या जो गुजराती लैंग्वेज में अभी हम अभी भी लोग बोलते हैं. हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी. डिवोशन भगवान को प्रे करने के लिए आपको पूरी तरीके से डिवोशन करना चाहिए. टॉलरेंस कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, टॉलरेट करो. देन ह्यूमैनिटी कि एवरी ह्यूमन बींग, यू शुड रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बींग, यू शुड गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी ह्यूमन बींग. संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत. संत रोहिदास वॉज ग्रेट संत. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी. सूरदास अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर, कंपोज द पोएटिक वर्क सुर सागर. सुर सागर ये जो पोएम्स थे, वो पोएम का बुक था, उसको किसने लिखा? संत सूरदास. डिवोशन टू कृष्णा, कृष्णा भक्ति इज अ सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क. डिवोशन टू कृष्णा मतलब क्या, कृष्णा की भक्ति करना, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करना. द वर्सेज ऑफ कृष्णा भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रक्षन और मेलोडियस. कि मुस्लिम संत थे रक्षन, फिर भी उन्होंने कृष्णा की भक्ति के ऊपर उन्होंने पोएम्स लिखे थे. संत तुलसीदास, संत तुलसीदास ने रामचरित्र मानस, कि राम राम लॉर्ड राम, उनके बारे में जो रामायण है, उनकी कथा है, वो उन्होंने लिखी थी संत तुलसीदास ने. इज अ ब्यूटिफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन ऑफ राम. कंपोजिशन मतलब बेसिकली क्या होता है कि कुछ बुक लिखा या कुछ पोएम्स लिखे, उसके कंपोजिशन होते हैं. पोएम्स कैसे राइमिंग होना चाहिए, तो लिखने के लिए अलग अलग आपके पास स्किल्स होना चाहिए. तो वो जो पूरा पोएम है उसे बोलेंगे हम कंपोजिशन. इन कर्नाटका महात्मा बसवेश्वरा स्प्रेड अ लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट. कि अलग उन्होंने कुछ उनके फॉलोअर्स थे जो बिलीव करते थे, उन्होंने एक अलग अलग सेक्ट चालू किया था, लिंगायत सेक्ट. ओके उनके जो फाउंडर थे वो थे महात्मा बसवेश्वरा. यहाँ उनका फोटो दिया हुआ है. ओके ही अपोज द कास्ट सिस्टम. उन्होंने भी वापस बोला कि कास्ट सिस्टम में कुछ बिलीव नहीं करता हूँ, कोई हायर कास्ट कोई लोअर कास्ट ऐसे नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल. तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो किसी डिफरेंसेस में या किसी हायरार्की में बिलीव नहीं करते. दे थिंक दैट एवरीबडी इज इक्वल. ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब क्या, वर्क इज वर्शिप. कि काम जो भी करोगे उसे एकदम मन लगा के करो, और तुम जो भी काम करते हो उसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं है कि कोई एकदम अच्छा काम कर रहा है या कोई स्वीपर है या कोई एकदम इंजीनियर है, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीबडी इज, इफ समबडी इज डूइंग इज जॉब विद फुल डिवोशन, पूरी तरीके से हम आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो भी काम बहुत अच्छा होता है, वो ऐसा मानते थे. तो क्या उनका मानना क्या था, काया कवे कैलाश मतलब क्या, वर्क इज वर्शिप. हिज वेल नोन सेइंग इज काया कवे कैलाश, विच मीन्स वर्क इज वर्शिप, वर्क इज कैलाश, कैलाश मतलब क्या, वर्शिप. ही एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट्स. मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट बिगेन टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस डिस्कशन कंडक्टेड इन द हॉल अनुभवा मंटपा. मंडपा जैसे बोलते हैं हम, तो वो मंटपा, अनुभवा मंटपा. वो वुमेन मैन सभी को बुलाते थे वहाँ, सभी कास्ट सभी रिलीजियस के लोग थे, वो वहाँ उनकी बातें सुनते थे या वहाँ डिस्कशन होता था. महात्मा बसवेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. देखो ये याद रखो कि उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लोगों से बात नहीं किया, उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में बात किया, ताकि बाकी वहाँ के जो कॉमन लोग हैं उनको भी समझ में आए कि उनकी बातें क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं. संस्कृत में अगर बात करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज पीपल वेर नॉट दैट मच एजुकेटेड, दे डिडंट नो संस्कृत, दे वेर स्पीकिंग इन देर लोकल लैंग्वेज. सो सेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग इन लोकल लैंग्वेज सो दैट देयर टीचिंग्स और देयर मैसेजेस विल बी डिलीवर्ड प्रॉपरली. सो ही वॉज स्पीकिंग इन कन्नाडा लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ वचना, वचना लिटरेचर. ही वाचना लिटरेचर हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. हिज फॉलोअर्स हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो. तो उनके फॉलोअर्स ने मराठी में भी उनकी जो बातें हैं वो ट्रांसलेट किया है. ऑफ दिस कंपोजिशन परमहंस रहस्य, रहस्य कंपोज बाय मन्मथ स्वामी इज वेरी वेल नोन. ग्रेट संत इन कर्नाटक इंक्लूड प्रामा, पुरंदरदासा एंड अदर्स. दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेज इन कर्नाटक. कनाडा ये कर्नाटक के इंपॉर्टेंट सेंट्स है, संत है. महानुभव पंथ इन द 13th century चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभव पंथ इन महाराष्ट्र. चक्रधर स्वामी उन्होंने महानुभव पंथ, पंथ मतलब क्या होता है, एक अलग रिलीजन, रिलीजन अपना जो मेन रिलीजन है उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जो रिलीजन की जो कुछ कुछ बातें हैं वो हमें पसंद नहीं है, जैसे कास्ट सिस्टम था वो पसंद नहीं है, तो वो अपना एक अलग स्ट्रीम चालू कर देते हैं, अलग तरीके से वो रिलीजन को देखने का देखना चालू कर देते हैं, अलग तरीके से रिलीजन फॉलो करते हैं. और जो संत होते हैं जैसे यहाँ है चक्रधर स्वामी, उन्होंने महानुभव पंथ बनाया था. दिस वॉज द पंथ दैट वॉज स्टार्टेड बाई हिम. पंथ मतलब क्या, बेसिकली इट इज़ अ सेक्ट. सेक्ट मतलब पंथ, कि एक रिलीजन में अलग एक ग्रुप बन गया, ग्रुप मतलब पंथ. तो उसके जो फाउंडर थे, फाउंडर वॉज चक्रधर स्वामी.
So his disciples or his students, disciples, they started following him. So Chakradhar Swami founded the Mahanubhav Panth in Maharashtra. This sect preaches the devotion of Krishna. So वापस वो कृष्णा में बिलीव करते, कृष्णा को वर्शिप करते. श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी. द फॉलोअर्स ऑफ चक्रधर इंक्लूडेड मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग दैट बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रीड. तो वो सभी कास्ट सभी क्रीड के लोगों को बुलाते थे वहाँ. डिफरेंस नहीं करते थे किसी के बीच में कि ये मुस्लिम है या फिर सॉरी ये हायर कास्ट का है लोअर कास्ट का, ऐसे नहीं है. तुम उनको बिलीव उनके उनके डिसाइपल बनना चाहते हो, उनके स्टूडेंट बनना चाहते हो, देन देर विल बी नो नोबडी विल स्टॉप यू, नोबडी विल जज यू इन ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा. He supported equality. He traveled to all parts of Maharashtra preaching in Marathi. कि मराठी में प्रीच करते थे. प्रीच मतलब क्या, उनके जो मैसेजेस है वो लोगों को बताते थे. जैसे बताएंगे लोगों को पसंद आया तो लोग उनके फॉलोअर बन जाएंगे. He preached Marathi instead of Sanskrit. Why? Because common people should understand. This led to the development of Marathi language. Many works were composed in Marathi. Many works मतलब क्या, उनके जो भी ये books है या उनके जो भी poems है वो मराठी में लिखे गए ताकि बाकी common लोगों को भी समझ में आए. दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन विदर्भा एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र. विदर्भा जो रीजन है, नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वो सब वाला पार्ट है, या मराठवाड़ा, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, वो मराठवाड़ा पार्ट है. वहाँ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, आज भी फॉलोअर्स है. दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन विदर्भा एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र. रिद्धिपुर इन विदर्भा इज अ इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर सेक्ट्स पीपल ऑफ दिस सेक्ट्स. कि वहाँ के जो लोग हैं रिद्धिपुर में जाके वो चक्रधर स्वामी उनका प्रे करते हैं. वो इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है. जैसे हिंदू रिलीजन के लिए कैसे काशी ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, वाराणसी. मुस्लिम्स के लिए भी मक्का मदीना ये इंपॉर्टेंट प्लेस है. वैसे ये जो चक्रधर स्वामी है उनका इंपॉर्टेंट प्लेस है रिद्धिपुर इन विदर्भा. दिस सेक्ट हैज़ रीच्ड अपॉन फार अवे रीजन्स लाइक पंजाब, अफगानिस्तान. पंजाब और अफगानिस्तान तक उनके फॉलोअर्स है. अभी हम महाराष्ट्र के कुछ जो उनके बारे में बात करेंगे, सेंस के बारे में. सम ऑफ द मेन कंपोजिशन ऑफ फॉलोअर्स ऑफ महानुभव पंथ आर द ट्रीटेज लीला चरित्र कंपाइल्ड बाय महिम भट्ट डिस्क्राइबिंग द डीड्स ऑफ चक्रधर स्वामी. चक्रधर स्वामी उनके बारे में, उनके जो लाइफ है उनके बारे में महानुभव पंथ या महानुभव पंथ के जो फाउंडर थे चक्रधर स्वामी, उनके लाइफ के ऊपर एक बुक लिखा गया है. उसका नाम है लीला चरित्र. मतलब लीला मतलब उनकी लीला, उन्होंने क्या क्या काम किया वो लीला चरित्र में लिखा गया है. चरित्र मतलब एक बेसिकली बायोग्राफी होता है कि उनके बारे में लिखा गया है. लीला चरित्र कंपाइल्ड बाय मतलब बेसिकली यू कैन से दैट रिटन बाय महिम भट्ट डिस्क्राइबिंग द डीड्स ऑफ चक्रधर स्वामी. डीड्स मतलब क्या, उनके काम. धावले द फर्स्ट मराठी पोएटस, सॉरी धावले ऑफ द मस्ट मराठी फर्स्ट मराठी पोएटस. मराठी पोएटस कौन है पहली, महादंबा, उनका बुक है धावले. सूत्रपद एंड दृष्टांतपद कंपाइल्ड बाय केशोभास. वाचाहरण ऑफ दामोदर पंडित एंड शिशुपालवध ऑफ भास्कर भट्ट बोरीकर एंड रुक्मिणी स्वयंवर ऑफ नरेंद्र. ये सब अलग अलग बुक्स है, आपको बार बार रिपीट करके बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा आपको. अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम रिटन बाय संत एकनाथ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजियस हार्मनी. कि हिंदू मुस्लिम दोनों रिलीजन को एक साथ लाने के लिए, दोनों रिलीजन के बीच में ब्रदरहुड पैदा होने के लिए संत एकनाथ थे, उन्होंने ऐसा बुक लिखा या ऐसे पोएम्स लिखे जो ऐसा बता रहे हैं कि मुस्लिम्स और हिंदू बात कर रहे हैं एक दूसरे से. द फेमस कोट ऑफ संत शेख मोहम्मद उनका एक फेमस कोट है या फेमस लाइन है, शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदयी गोविंद. शेख मोहम्मद कौन है, मुस्लिम है, और वो बोल रहे त्यांचा हृदयी मतलब उनके हार्ट में कौन है, गोविंद है. गोविंद मतलब लॉर्ड कृष्णा. कि संत शेख मोहम्मद कौन थे, मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी उनके वो कृष्णा को भी प्रे करते थे. मुस्लिम्स को जो अल्लाह को भी प्रे करते थे, कृष्णा को भी प्रे करते थे. तो उसका मतलब क्या है कि कोई डिफरेंस नहीं था, सभी रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे और उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं था. ये संत लोगों ने ऐसा बात कहा कि हमें रिलीजन के बीच में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, गॉड इज़ वन, कास्ट में लोगों को रोक के नहीं रखना चाहिए, एवरीबडी इज़ इक्वल, ये सब उन्होंने बोला. गुरु नानक, नाउ वी विल टॉक अबाउट पंजाब. गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. सिखिज्म जो रिलीजन है उसके फाउंडर थे गुरु नानक एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स. गुरु नानक बेसिकली फर्स्ट गुरु थे, उन्होंने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, तो जिनको उनकी बातें पसंद आई वो उनके शिष्य बन गए. शिष्य मतलब कौन बन गए, उनके डिसाइपल बन गए. तो सिख सिख मतलब क्या, उनके शिष्य. हिज वर्क्स हैज़ टू बी मैंशनड एज अ ग्रेट अटेम्प्ट टू रिलीजियस सिंथेसिस. गुरु नानक भी कैसे किसी रिलीजन में ऐसे फॉलो नहीं करते थे कि ये रिलीजन ही अच्छा है, सभी अच्छी अच्छी चीज़ें सभी रिलीजन की उन्होंने ले ली. ही विजिटेड द होली प्लेसेज ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स.
ही हैड ऑल्सो विजिटेड मक्का, तो वो मुस्लिम हिंदू सभी के जो अच्छे अच्छे रिलीजियस प्लेसेस थे वहाँ उन्होंने विजिट किया था, और मक्का में भी विजिट किया था। मक्का मुस्लिम्स के लिए बहुत होली प्लेस होता है। ही रियलाइज दैट फीलिंग ऑफ डिवोशन इज कॉमन एवरीवेयर, कि सभी रिलीजन में गॉड का भक्ति है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम हमारा ही गॉड ज़्यादा पावरफुल है तो दूसरे का गॉड पावरफुल नहीं है, क्योंकि सभी लोग भक्ति कर रहे हैं और उनका मानना था कि गॉड एक ही है। ही थॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हिज टीचिंग्स एम्ड एट अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ही एम्फसाइज चेस्ट बिहेवियर, चेस्ट बिहेवियर मतलब क्या, गुड बिहेवियर। मैनी पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ गुरु नानक, द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे, कि उनकी टीचिंग्स अच्छे थे तो लोग उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिख, सिख मतलब कौन, कि गुरु नानक जी उनके फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वाले या उनके शिष्य, शिष्य मतलब कौन, स्टूडेंट्स, तो सिख मीनिंग डिसाइपल्स, डिसाइपल्स मतलब कौन, स्टूडेंट्स, के उनके फॉलो करने वाले लोग, स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते हम, डिसाइपल्स कि उनको फॉलो करते हैं लोग, उनके भक्त बोल सकते हैं। द आदिग्रंथ, आदिग्रंथ मतलब क्या, सबसे पहला ग्रंथ जो गुरु नानक जी ने लिखा, आदिग्रंथ वॉज नोन एज द गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब मतलब क्या, कि सिख किसी मूर्ति में प्रे नहीं करते या किसी फोटो को प्रे नहीं करते, उनके लिए प्रेयर क्या है, उनका उनके वो किसी किस में बिलीव करते, एक बुक है उनका, होली बुक है, उसमें बिलीव करते, बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब जो उनके इंपॉर्टेंट गुरुज थे उन्होंने जो 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 चीज़ें लिखी है, या बाकी जो भी संत थे, संत नामदेव का भी उसमें लिखा हुआ चीज़ है कि जो अच्छे अच्छे संतों ने या उनके भी संतों ने, सिखों के संतों ने जो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है वो एक बुक में लिखी है, वो बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, तो वो ग्रंथ साहिब बुक को प्रे करते। गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिक्स। द आदि ग्रंथ इंक्लूड कंपोजिशंस ऑफ गुरु नानक साहिब, गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत्स, तो उसमें देख सकते हो आप कि उन्होंने सिर्फ बोला नहीं कि हमारे संत ही ग्रेट है, सिखों के संत ग्रेट है, उन्होंने दूसरे संतों की भी बातें लिखी उसमें ऐड किया है, जैसे संत नामदेव, संत नामदेव वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र और ही वॉज फ्रॉम ही वी कैन से दैट ही वॉज हिंदू। संत कबीर थे, संत कबीर हम बोल सकते हैं कि वो मुस्लिम है, लेकिन वो ऐसा बिलीव नहीं करते थे, सभी रिलीजन में मानते थे, जैसे हमने देखा पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी वो कोशिश कर रहे थे। सो अलग अलग संतों की अच्छी अच्छी चीज़ें गुरु ग्रंथ साहिब में है। एंड अदर संट्स, गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाई 9 गुरुज, गुरु नानक जी उनके बाद और 9 गुरु बने, लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह, सक्सीडेड बाई 9, सक्सीडेड मतलब क्या, उनके बाद बाई 9 गुरुज ऑफ सिक्स, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह सिक्स रिगार्डेड द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु, मतलब गुरु गोविंद सिंह उन्होंने क्या बोला कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, तो अभी तुम किसको मानो, ये बुक को मानो, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उसमें सभी सिखों के जो गुरु थे, 10 गुरुज थे, जैसे गुरु नानक पहले गुरु थे, लास्ट में थे गुरु गोविंद सिंह, और बीच में जो भी गुरु हुए उन्होंने अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें उस बुक में लिखी है, वैसे एडिशन होते गया। ओके, एडिशन होते होते गया, दूसरे भी संत थे जैसे संत नामदेव या संत एकनाथ, उनकी भी अच्छी अच्छी बातें, और भी दूसरे गुरुज थे उनकी भी अच्छी अच्छी बातें उस बुक में ऐड होती गई, वो बुक अपडेट होते गया। कब तक अपडेट हुआ, जब तक गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह उन्होंने लास्ट में बोला कि मेरे बाद कोई आगे गुरु नहीं होगा, आप अभी आपका गुरु कौन, ये बुक, कि हमने जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बुक को उसमें बुक में लिखी है, अपडेट किया है, अभी आप इस बुक को फॉलो करो, इसलिए सिक्स अभी उस बुक को फॉलो करते हैं, उनके लिए सबसे होली चीज़ क्या है, वो बुक है या गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ, ग्रंथ मतलब बुक, गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह, मतलब गुरु गोविंद सिंह उन्होंने बोला कि मेरे आगे कोई गुरु नहीं होगा, मेरे बाद 10th गुरु मैं लास्ट, उसके बाद कौन है आपका गुरु, ये बुक है, अब बुक में जो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है वो फॉलो करो, आपका लाइफ अच्छा होगा। द सूफी सेक्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट इस्लाम, सूफी सेक्ट, दिस इज द सेक्ट ऑफ इस्लाम, तो सूफी सेक्ट सेक्ट बिलीव द गॉड इज फुल ऑफ लव एंड ओनली वे टू रीच हिम इज थ्रू लव एंड डिवोशन, कि सूफी सेक्ट जो इस्लाम मतलब मुस्लिम्स, उनके जो कुछ संत थे वो क्या बोलते थे कि गॉड इज फुल ऑफ लव एंड ओनली वे टू रीच टू हिम इज थ्रू लव एंड डिवोशन, कि आपको अगर गॉड के पास जाना है या गॉड को प्रे कर उसको प्रसन्न करना है तो कैसे करोगे, आप प्रे करो, डिवोशन करो, प्रे करो और प्यार रखो, सबके लिए प्यार, सबको प्यार करो, हेट मत करो किसी को, दूसरे रिलीजन का है इसलिए उसको हेट करना, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं करना चाहिए। देयर मेन टीचिंग वॉज टू लव ऑल द लिविंग बींग्स, मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, ज़्यादा कुछ बड़ा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, अब ज़्यादा एकदम रिच गाड़ियाँ खरीदने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, गॉड को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े दान देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली प्रे करो गॉड को और सभी को इक्वालिटी से, सभी को इक्वली ट्रीट करो और सभी के लिए अपने मन में प्यार रखो। अभी कुछ संतों के नाम दिया है जैसे ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती,
Sheikh Nizamuddin Awliya were great Sufis. The teaching of Sufis led to the unity in Hindu and Muslim communities. Sufi music has made valuable contribution in Indian music. Sufi music भी बहुत famous है. आपको search करना है तो YouTube पे search करो Sufi music, आपको बहुत सारे videos मिल जाएंगे. The path of bhakti taught by Sant are easy to follow for the common people. ये भक्ति मूवमेंट में क्या है, क्यों लोग उनके follower बने, क्योंकि उन्होंने जो हार्ड लैंग्वेजेस में जो रिलीजन के जो बुक लिखे थे या कुछ बातें लिखी थी वो लोगों को समझ में नहीं आते थे, कॉमन लोगों को. वो उन्होंने क्या किया, उसे चेंज किया और कॉमन लैंग्वेज में लेके आके, जैसे महाराष्ट्र में अगर लोगों को बताना है तो मराठी लैंग्वेज में बोलते थे, कर्नाटका में जैसे बोलना है तो कन्नड़ा लैंग्वेज में बोलते थे. जैसे नरसिंह मेहता थे गुजरात में, उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में लोगों से बात किया, सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड. द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाय द संस वेरी इजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल. द भक्ति मूवमेंट वॉज ओपन टू ऑल मैन एंड वुमेन. द सेंट्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल, कि लोगों के लैंग्वेज में अपने थॉट्स बताते थे ताकि लोगों को समझ में आए. द कॉमन पीपल फॉलोड देम, सॉरी फाउंड देम क्लोज टू देयर हार्ट. द भक्ति मूवमेंट हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर. आज जो इंडियन कल्चर है कि हम एक साथ रहते हैं, थोड़े छोटे छोटे झगड़े होते हैं लेकिन फिर भी हम एक साथ रहते हैं, सभी रिलीजन के लोग, सभी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट का, कि उन्होंने सिखाया हमें कि एवरीबडी इज इक्वल, वी शुड लिव एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ओके, सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट इन दिस चैप्टर. इफ़ यू वॉन्ट मी टू अपलोड मोर वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन कमेंट बिलो. एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू अपलोड मोर वीडियोज देन शेयर दिस चैप्टर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.